अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं निदा एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ओनली फूडी। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी, जो कि स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही क्विक बन के तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल ओनली फूडी को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और आप बेल का आइकन दबाना ना भूलें, उससे हमारी आने वाली रेसिपीज ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएंगी। तो चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें मेनली जो हमें चाहिए वो है चिकन। मैंने ये 2 kg चिकन लिया है इसके लिए, और इसको अच्छे से मैंने साफ कर लिया है। 1.5 teaspoon हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 2 चुटकी फूड कलर, रेड कलर हमें चाहिए इसके लिए, 1 teaspoon ब्लैक पेपर, 1.5 teaspoon हमें चाहिए नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 teaspoon लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 to 6 tablespoon हमें चाहिए लीमू का रस, आप इसकी जगह पे विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 अदद हमें चाहिए कोयले का टुकड़ा। तो अब हम इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर, नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और एंड पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी लेमन जूस। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी फूड कलर, रेड फूड कलर से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा चिकन टिक्का बिरयानी के लिए। अब ये सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पूरे चिकन पे लग जाए। अच्छे से हमने मैरिनेट कर दिया। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए जो है मैरिनेशन का टाइम दूंगी। एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर 1/2 cup जो है वो मैं ऑयल का डाल दूंगी। आप चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे ऑयल को हमने कर लेना है गरम। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन के पीसेस। वो मैंने इसके जो है मैंने पैन के अंदर डाल दिए हैं, और 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैं इसको ढक के रख दूंगी, और उतने टाइम में ये बन के हो जाएंगे तैयार। तो चिकन को रखे हुए 20 मिनट हो गए, अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो चिकन टिक्का है ये तैयार हो चुका है, बिल्कुल पानी इसमें ड्राई हो चुका है और चिकन कुक हो गया। तो अब हम करेंगे स्टोव को ऑफ, और अब हम इसके अंदर मैं रख दूंगी फॉयल पेपर, क्योंकि अब हमने इसको कोयले का दम देना है। कोयला जो है वो मैंने पहले से ही दहकने के लिए रख दिया हुआ था, तो इस तरीके से कोयला जो है वो मैं इसमें रख दूंगी। तो कोयला रखने के बाद जस्ट 1 बूंद इसके ऊपर ऑयल की टपकानी है, और साथ ही हम इसको कवर कर देंगे, और तब तक कवर रखेंगे जब तक इसका पूरा धुआं ख़त्म नहीं हो जाता। इस चिकन टिक्का को कोयले का दम देके हम कर देंगे साइड पे, और तैयारी करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, यानी इसके मसाला तैयार करने की। तो चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो नोट डाउन कर लें। मैंने इसके लिए लिए हैं 1 kg चावल मैंने लिया है, और इसको 1/2 घंटे के लिए जो है मैंने भिगो के पानी में रख दिया है। अगर तो आप सेला चावल यूज़ करें तो उसको आप 1 घंटे के लिए भिगोएंगे, और अगर सुपर कर्नल बासमती राइस यूज़ करें तो उसके लिए 1/2 घंटा इनफ है। 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं प्याज, और उनको इस तरीके से मैंने काट लिया है। 5 अदद मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के टमाटर, और उनको भी हमने इसी तरह से कट कर लिया है। 1.5 teaspoon हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, 8 से 10 मैंने ली हैं साबुत काली मिर्च, 1 अदद हमें चाहिए काली बड़ी इलायची, 2 अदद मैं इस्तेमाल करूंगी सब्ज इलायची, 1 अदद हमें चाहिए दारचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 लौंग, नमक 1.5 teaspoon, लाल मिर्च पाउडर हमें चाहिए 1.5 teaspoon, 2 teaspoon हम इसके लिए लेंगे सूखा धनिया पाउडर, 1.5 teaspoon जीरा, और 2 अदद तेज पात हमें इसके लिए चाहिए, 2 से 3 अदद आप यूज़ कर सकते हैं, और 1 प्याली भर के हमें चाहिए दही का, जो कि 1/2 किलो दही है वो हमें इसके लिए ज़रूरत है। तो चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैं पतीली में 1/2 cup जो है वो ऑयल का शामिल कर दूंगी, और इसमें हम शामिल कर देंगे कटी हुई प्याज। फ्लेम इसका हम कर देंगे मीडियम। मीडियम फ्लेम पे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लूंगी। प्याज अब आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी हम साथ ही इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से हम 6 से 7 मिनट के लिए इसकी हम भुनाई कर लेंगे।
तो कोयले का धुआं जो है वो आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली ख़त्म हो चुका है। तो अब इस टाइम पे मैं जो है इसका कवर उठा के हम कोयला रिमूव कर लेंगे और इसको हम जो है कवर करके दोबारा से साइड में रख देंगे और फिर इसकी हम बाद में इसको यूज़ करेंगे। 6 से 7 मिनट जो है मसाले को अच्छे से मैंने भून लिया है मीडियम फ्लेम पे और आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो इसमें बिल्कुल गल चुका है। इस टाइम पे आप इस तरीके से टमाटर को हल्का सा जो है स्पून की हेल्प से ये जो है इसको आप इस तरह से दबा दें तो देखेंगे बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा इसका। तो इस तरह से मैं करके इसको पेस्ट सा तैयार कर लेती हूँ। मसाले को अच्छे से जो है मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साबुत खड़े गरम मसाले। सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन टिक्का। सारा इसी तरीके से जो है मैं पूरा इसमें उल्टा लूंगी। चिकन डालने के बाद अब एंड पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही। दही डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। दही डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से जो है तैयार हो जाए हमारा और साइड से ऑयल भी छोड़ दें। तो मसाला तैयार होने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी मीठा आलू बुखारा। तो इस टाइम पे जो है गरम गरम मसाले के अंदर ही जो है मैं आलू बुखारा डाल दूंगी क्योंकि हमने इसको गलाना नहीं है, पहले ही काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरीके से मैं मसाले में इसको डाल के मैं कर दूंगी इसको कवर ताकि थोड़ा सा जो इसने आलू बुखारे नरम होना वो इसी के अंदर होके तैयार हो जाए। जी, चिकन टिक्का बिरयानी का मसाला हमारा हो गया है बन के तैयार। तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि इसने साइड से ऑयल भी छोड़ दिया है, मसाला भी बन के तैयार है और सब प्याज टमाटर इसमें घुल चुके हैं। तो अब मैं कर दूंगी स्टोव को ऑफ और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी राइस हम बॉइल करेंगे। हम करेंगे चावल उबालने की तैयारी। तो इसके लिए मैंने जो है एक बड़ी पतीली में आधे से ऊपर मैंने इसमें ले लिया है पानी। तो इसमें भर के मैं 2 से 2.5 चम्मच डाल दूंगी नमक के क्योंकि चावलों के अंदर जो है वो नमक का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और 3 अदद मैं इसमें डाल दूंगी तेज़पात और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी ज़ीरा। तो ये सब चीज़ें डाल के हमने पानी को एक उबाल आने तक जो है मीडियम फ्लेम पर उबाल लेना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे पानी को रखा है और आप देख सकते हैं कि पानी को अब जोश आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। चावल डालने के बाद इनको बस एक दफा इस तरीके से हल्का सा हिलाना है और इनको जो है हमने एक कनी सख्त होने तक पकाना है। एक कनी सख्त इसलिए हमने रखना है इसको क्योंकि अगर आप बिल्कुल चावल को गला देंगे तो उसके बाद जब हम इसको दम में रखेंगे तो चावल हमारे हो जाएंगे नरम। चावल जो है हमारे जो है अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब मैं इनको ड्रेन कर लूंगी। अब हम इसको अच्छे से जो है चावलों को निचोड़ लेंगे, इस तरह ड्रेन कर लेंगे छन्नी में डाल के। चावलों को अच्छे से ड्रेन करने के बाद अब इसमें हम जो नॉर्मल टैप वाटर है वो इस तरीके से डाल देंगे ताकि चावल जो है वो हमारे ठंडे हो जाए। तो दम में जो है बिरयानी को कलर देने के लिए मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून हम लेंगे ज़रदा रंग और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ही पानी डाल के उसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो बिरयानी को दम लगाने के लिए अब हम इसकी लेयर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेस में मैं चावल डाल दूंगी। तो ये चावलों को जो है मैंने एक लेयर लगा के इनको अच्छे से हमने इवनली जो है स्प्रेड कर देना। होने के बाद अब इसमें जो हमने चिकन टिक्का मसाला सारा तैयार किया था बिरयानी का वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। सेकंड लेयर हम सारी उसकी लगा देंगे। तो इस तरह से इवनली जो है हम स्प्रेड कर देंगे ऑल ओवर। जो बाकी के चावल हमने बचाए थे वो भी हम इसी तरह से पूरे के पूरे ऊपर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से आप हाथ से फैला दें इवनली। जो है मैं इसके शामिल कर दूंगी धनिया और अब पुदीना डाल देंगे। इन दोनों की बहुत ही उम्दा खुशबू आती है बिरयानी के अंदर। लेमन स्लाइसेस जो हमने काटे थे वो भी डाल देंगे। इस तरह से फैला के डाल दें और लास्ट में हरी मिर्च जो है वो शामिल कर देंगे।
और लास्ट में अब अच्छा सा कलर देने के लिए बिरयानी को अब हम इसमें शामिल करेंगे जरदार रंग। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने जरदार रंग तैयार करना है और इसको किसी किसी जगह पे हम डाल देंगे ताकि येलो सा कलर आ जाए चावलों में। तो अब ढक्कन को मैंने गीले कपड़े के साथ जो है वो रैप कर दिया। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे दम पे रख देंगे। बिरयानी को रखे हुए मैं 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका दम जो है वो खोलती हूँ और हम देखते हैं। तो दम इसको अच्छे से लग चुका है, ये अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हमारी चिकन टिक्का बिरयानी जो है वो बन के हो गई है तैयार। कैसे निखरे निखरे चावल इसके बने हैं, तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बन के हो गई है तैयार, बहुत ही लजीज और बहुत ही उम्दा बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको ट्राई करिएगा, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा और हमारे चैनल ओनली फूडी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।